बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अधिकतर जनसंख्या कृषि एवं कृषि से व्यवसाय पर निर्भर है। बदलते परिवेश में राज्य के अधिकांश किसान अब धान, गेहूं और दलहन जैसी फसलों के साथ साथ फूलों की व्यवसायिक खेती की ओर आकर्षित हुए हैं। फूलों की खेती से उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ कृषि में विविधता के बढ़ने से किसानों की आय बढ़ी है और इनमें स्थायित्व भी बढ़ा है। आत्मा आरा से कृषि विभाग से हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है फूल का खेती करने के लिए, इससे हम लोग का प्रॉफिट होता है। दो चार बीघा खेती हम लोग बराबर करते हैं। हर पौधा 3 महीने तैयार होता है, गेंदा भी होता है, चेड़ा भी है, चीनी भी है, यही हम लोग का अच्छी लगता है। मार्केट पटना करते हैं, आरा भी करते हैं, लगन में भी देते हैं, गाँव घर में भी देते हैं, मंदिर में भी देते हैं। बीघा में 25 से 30 खर्चा होता है, 50 से 60 हजार हम लोग को इनकम हो जाता है 3 महीना पर। इसी से लड़का लोग पढ़ता भी है, घर परिवार भी चलता है, सब कुछ हमारा इसी से ऊपर आ जाए। राज्य में फूल उत्पादन मांग के अनुसार आवश्यक मात्रा में नहीं होने के कारण इसकी आपूर्ति अन्य राज्यों से की जाती है, जबकि बिहार की मिट्टी एवं जलवायु फूल उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। किसान विशेषकर छोटे एवं सीमांत इसकी खेती में अन्य फसलों की तुलना में अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसी परिपेक्ष में राज्य में कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा किसानों के बीच व्यावसायिक फूलों की खेती की तरफ उन्मुख किया जा रहा है। इसके लिए किसानों के बीच प्रशिक्षण, परिभ्रमण और पौध सामग्री एवं अन्य अवयव पर अनुदान की भी योजना है। मैं धान गेहूं की खेती करते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा कमाने के लिए फूल की खेती कारोबार करते हैं, वो नगद धंधा है। फूल में लगाते हैं, अभी जो समय आ गया गर्मी का समय था, अब इसमें हम गेंदा लगाए हुए हैं या ठंडा चलेगा तो चेना चेरी लगाएंगे। और उसके बाद जिनक सीजन आता है, जिस सीजन में हम खेती करते हैं, इस सीजन में होता है ना, या दुर्गा पूजा आ गया या दिवाली आ गया, इसमें फूल का टान हो जाता है, या फूल बहुत चीज़ में काम आता है, या मरण हरण हो या पूजा हो या ब्याह शादी हो, हर चीज़ में फूल का काम आता है। इसी फूल का धंधा बेसी हो रहा है, बढ़ गया हुआ है। मेरा फूल सीतामढ़ी जाता है, शिवहर जाता है या पटना हनुमान मंदिर तक जाता है। कृषि विभाग आत्मा से ट्रेनिंग लेने के बाद हम खेती करते हैं। फूल का खेती मैं 4-5 साल से मैंने शुरू किए हैं, इससे मेरा 5 परिवार का खेवा खर्च अच्छा चलता है, लड़का लोग का पढ़ाई लिखाई भी होता है, उद्यान विभाग से भी मिलता है कभी काल, कृषि उद्यान विभाग से, और इसको समय से लगाते हैं हम लोग और खेती को सुचारू रूप से सेवा करते हैं। जैसे पानी पटा कर इसको बो दिए, 10 दिन के बाद में इसको कोड़ाई देना है, जैविक खाद हम देते हैं, केचुआ खाद, उससे मेरा पौधा जो 3 महीना में तैयार होने का है वो 60 दिन में तैयार हो जाता है, अच्छा बड़ा बड़ा फूल भी देता है, और मार्केट में इसको देखते हैं ग्राहक लोभ जाते हैं और अच्छा मार्केट से 200 रुपया महंगा में उठ जाता है। मैं चीना चेरी की भी करता हूँ, गेंदा की भी करता हूँ, 1,000 होता है उसको करते हैं। कृषि विभाग आत्मा से हम लोग का हमको ज्ञान मिला और वहीं से परीक्षण मिला कि इसको खेती कीजिए, मैं वहीं से शुरू किया और उस समय से आज तक मैं शुरू रखा हूँ। इस आधुनिक युग में सजावटी फूलों की मांग हर मौसम में होती है। इसका उपयोग माला, लड़ी, गजरा के साथ साथ भगवान की पूजा अर्चना में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पुष्प सज्जा, बुके बनाने और फूलदान सजाने में उपयोग किया जा रहा है। इसकी खेती से आप कृषक भाइयों एवं बहनों लाखों रुपए सालाना कमाई कर सकते हैं। खासकर बेरोजगार युवक जो काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, इनके लिए रोजगार का उत्तम साधन है।